कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज की कविता है अपने पुरखों के लिए, जिसे लिखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। सुनिए ये कविता उन्हीं की आवाज में। इसी मिट्टी में मिली हैं उनकी अस्थियां, अंधेरी रातों में जो करते रहते थे भोर का आवाहन, बेड़ियों में जकड़े हुए जो गुनगुनाते रहते थे आजादी के तराने। माचिस की तीली थे वे, चले गए एक लौ जलाकर। थोड़ी सी आग जो चुरा कर लाए थे वो जन्नत से, हिमालय की सारी बर्फ और समुद्र का सारा पानी नहीं बुझा पा रहा उसे। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे वे मछुआरे, जर्जर नौका की तरह समय की धार में डूब गए। कैसे उन्होंने अपने पैरों को बना लिया हाथ और एक दिन परचम की तरह लहरा दिया। कैसे वे अकेले पड़ गए अपने ही बनाए सिंहासनों, संगीनों और बूटों के आगे, और कैसे बह गए एक पतझर में गुमनाम। जंगल की खामोशी तोड़ने के लिए उन्होंने इजाद की थी ध्वनियां, और आंधी तूफान में भी जिंदा रखने के लिए धरती में बोए थे शब्द। अपनी खुरदुरी भाग्य रेखाओं वाले काले हाथों से उन्होंने मिट्टी में बसंत, और बसंत में फूल, और फूल में भरे थे रंग। धधकाई थी भट्टियां, चट्टानों को बनाया था अन्नदा। किसी राजा का नहीं इतिहास है यह, शरीर में धड़कते हुए खून का। मेरे बच्चों, युद्ध थे वे, हमें छोड़ गए एक युद्ध में। आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।